देखिए और बनाइए शुरू खीमा भरे बैगन। देखिए माशाल्लाह गरम गरम राइस के साथ आप इसको खा सकते हैं। अब ये कट करके बताऊंगी, बैगन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे घुल गए और इसके अंदर खीमा भी भरे हुआ, जिस तरह मैं भरी वीडियो में उसी तरह से खीमा भरे हुआ बैगन है। ये पुरानी ऑथेंटिक रेसिपी है, ये मेरे अम्मी की रेसिपी है। वीडियो देखिए और बनाइए, आपको आपकी फैमिली को पसंद आने वाला। पराठों के साथ, रोटी के साथ, गरम गरम वाइट राइस के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनने वाली है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ खीमा भरे बैगन। खीमा भरे बैगन के लिए मैं ली हूँ करीब करीब आधा किलो ये बैगन है। और यही कलर के लिए ना बैगन ही ये अच्छे रहते, अगर नहीं मिले तो आप दूसरे भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ 1 किलो खीमा। 1 किलो खीमे में डालेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 किलो भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, सारी चीज़ें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा डालना। और 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसको कवर करके तेज फ्लेम पर छोड़ देंगे। अब इसका पानी पूरा सूख गया, अब इसको निकाल के ठंडा होने देंगे। अब उस पर डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर। इसको खुले बर्तन में निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। इसकी मसाला में लिए 2 टेबलस्पून खोपरा है, 3 टेबलस्पून भर के फल्ली है, 2 टेबलस्पून है तिल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया। इस सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लिए इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाले इसका पेस्ट तैयार हो गया मसालों का। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून भर के लाल मिर्ची है, थोड़ी सी हल्दी है और 2 टीस्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मसालों में नमक मिर्ची डाली, उसको साइड में रख देंगे। अब बैगन का क्या करेंगे, इसमें खीमा भरेंगे। इसके लिए थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेना बैगन और छुरी से इसको क्या करना, छुरी इसमें गोल घुमाते जाना। देखिए इस तरह से इसके अंदर खीमा भरने के लिए जगह बन गई है। थोड़ा सा जो बीज का हिस्सा है, बीजों का वही निकला। इस तरह से इसको गोल घुमाते जाना। तो आसानी से देखिए खीमे की स्टफिंग आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरह से छुरी की मदद से इसको गोल घुमाते जाना, बिल्कुल खाली भी नहीं कर दे रही हूँ। बैगन का अंदर से थोड़ा सा इसमें स्पेस बना रही हूँ, खीमा भर सकते उतना। देखिए इस तरह से हम सारे बैगनों को तैयार कर लेंगे। अब इसके डंडियों को कट करने, कट करी में ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा काटेंगे इसका, डंडी का, और हल्का सा इसको भी हल्का सा कट कर लेंगे किनारों को। सारे बैगनों को इसी तरह से कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें खीमा भरेंगे। इस तरह से उसको दबाते हुए खीमा भरेंगे। अच्छा अच्छा टाइट इसमें दबाते हुए खीमा भरेंगे, स्टफिंग अच्छी रखेंगे खीमे की। देखिए इस तरह से हम सारे बैगनों को स्टफ कर लेंगे खीमे के से, सेम तरीके से। बैगन हमारे तैयार है। अब जो मैं मसाले तैयार करके रखी, मेरे पास प्याज तली हुई थी तो मैं नहीं तली। प्याज अगर आपके पास नहीं है तो आप एक छोटी प्याज की डली को भी फ्राई करके ग्राइंड कर देना, और एक मुट्ठी से भी थोड़ी बढ़ के इमली को मैं भीगने के लिए छोड़ दी। इसका मीडियम खट्टा निकाल लेके साइड में रख देंगे।
एक बर्तन ली मैं, उसमें ऑयल डाली, एक कप ऑयल डाली। अब इसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन हमारे फ्राई हो गए, अब इसको निकाल देंगे। बिल्कुल पूरा 100% नहीं फ्राई करना, 50% फ्राई करना, बाकी का जो है तो मसाले भी पक जाते हैं। ये तेल में क्या करेंगे, जीरा डाल देंगे, अच्छे से ब्राउन होने देंगे जीरे को। जीरा अच्छे से ब्राउन हो, आप ड्राई मिर्ची, सूखी मिर्ची और करिया पत्ता डालेंगे। अब इसके बाद मसाले डालेंगे। मसाले डालने के बाद इसको अच्छा भुनेंगे, 5-10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट इसको अच्छा भुनना। कवर कर देंगे ढक्कन, थोड़ी थोड़ी देर से ढक्कन निकाल के अच्छा भुनना, जो पानी है इसका वो भी पानी सूख जाना और तेल आना। इसका मीडियम खट्टा निकाल के साइड में रख लेंगे। 10 मिनट में इसको अच्छे से भून लिया और इसका जो पानी डाल के थोड़ा सा पानी मसाला में डालते वो सूख गया और सरफेस पर अच्छे से ऑयल आ गया। जो खट्टा निकाल के रखे थे वो डाल देंगे। खट्टा डाल दिया, इसमें डालेंगे कोथमीर, पुदीना, करिया पत्ता, 4-5 हरी मिर्चियाँ बीच से स्प्रेड करके। अब इसमें अच्छा उबाल आने देंगे, 10 मिनट अच्छे से उबाल आने दी, पक गया। अब इसको धीमा कर देंगे, फ्लेम को धीमा करके जो तल के रखे थे बैगन वो छोड़ देंगे इसमें, और एक 7-8 मिनट इसको दम पे छोड़ देंगे। फ्लेम को धीमा करके 7-8 मिनट के लिए थोड़ा सा गैप रख के इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट में धीमे पे रखिए, 10 मिनट हो गए, माशाल्लाह हमारा सालन बहुत ज़बरदस्त बना और इसके ऊपर सरफेस पे अच्छे से ऑयल आ गया। फ्लेम को बंद करके मैं डिश आउट करके बताऊँगी आपको। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी काफ़ी है, ठंडा होके गाढ़ा हो जाता है, इसको रोटी राइस में आप खा सकते हैं। चलिए, कीमा भरे बैगन की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।